तो दोस्त, मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैंने डिप्लोमा किया है सीएस से, और क्या मैं इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ? क्या मैं एक अच्छा अर्निंग रिसोर्स बना सकता हूँ? तो उसी के बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्त देखो, मैं आपको बता दूँ, डिप्लोमा कोई सा भी हो, सीएस हो, आईटी हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कॉलेज से पास आउट होते हो या ड्यूरिंग जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, आपका नेटवर्किंग में, आपका क्लाउड में, आपका सॉफ्टवेयर में है, आपका मशीन लर्निंग, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, तो सबसे पहले उस प्रोफाइल पे आप कमांड बनाओ। और मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि अगर लाइफ में अच्छा खासा पैसा बनाना है, 100% आप कोडिंग की फील्ड में जाओ। बहुत 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 ज़्यादा पैसा है, जितना आप सोच भी रहे हो, चाहे आप सोच भी नहीं सकते हो, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने बीटेक किया हो, चाहे आपने बीसीए किया हो, अच्छा खासा उसमें पैसे होते हैं। अगर आपने कोई डिप्लोमा बेस कंप्यूटर साइंस या आईटी का कोर्स कर लिया है, तो आप अच्छी खासी लर्निंग बनाओ, इसके बाद में मार्केट में आओ, जॉब से ढूंढो, खुद से ढूंढो यार, बहुत जॉब ओपनिंग है, बस आपके पास टैलेंट होना चाहिए। 2-3 दिन पहले एक बंदा मुझे मिला तो बोल रहा था कि अगर एप्लीकेशन डेवलपर कोई बंदा हो और उसे आता हो और वो जानता हो, मैं उसको कल 15 लाख पर एनम की पैकेज की सैलरी की जॉब दिला दूंगा ऑन स्पॉट, अगर उसे नॉलेज है एप्लीकेशन सपोर्ट की, मतलब 1.5 लाख के आसपास मंथली। तो इसमें क्या है कि अगर आपको 2 साल 3 साल या 5 साल के अराउंड का अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया कोडिंग की किसी भी फील्ड में, जावा बैकएंड, जावा फ्रंट एंड, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट की सॉफ्टवेयर की जो जॉब है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली सैलरी होगी सिर्फ 5 साल के एक्सपीरियंस में। और आपको अगर 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो 5-5 लाख, 8-8 लाख रुपए आपको मंथली कंपनीज देती हैं कोडिंग के फील्ड में, डेवलपर्स को। सच में इतना पैसा होता है, मतलब बहुत पैसा। अगर आप कहीं बहुत बड़ी सिटी में हो, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद, पुणे, तो यहाँ पे अगर फॉर सपोज दिल्ली एनसीआर का रेट 5 लाख पर मंथ है, तो वहाँ का रेट 8 लाख पर मंथ होगा। आउट ऑफ इंडिया हो तो फिर वहाँ पे 15 लाख पर मंथ होगा, 20 लाख पर मंथ होगा। तो ये बेसिकली वहाँ के पैकेजेस होते हैं। तो नो डाउट आपने डिप्लोमा से किया, आपने बीसीए किया है, आपने बीटेक किया है, तो सीएस में हमेशा जॉब ओपनिंग होती हैं और अच्छी खासी सैलरी की जॉब होती है। बट कई बार होता है ना, कंपनी बाउंडेशन लगा देती है, क्या कि नहीं हमें सिर्फ बीटेक बनना चाहिए, हमें सिर्फ बीसीए बनना चाहिए, हमें सिर्फ डिप्लोमा का बनना चाहिए। तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। बाकी जॉब्स डिप्लोमा सीएस के लिए बहुत हैं, बीटेक के लिए भी बहुत हैं और बीसीए के लिए बहुत हैं। तो होपफुली आप समझ गए होगे सीएस एंड आईटी का पावर कितना है मार्केट में। और हाँ, अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट सपोर्ट की जॉब देख रहे हो, तो नीचे मैंने कुछ शॉर्टेड क्वेश्चंस आंसर दिए हैं जो कि आपको 100% इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। और मेरा रिज्यूमे, बेस्ट रिज्यूमे नीचे पड़ा है, वो अच्छा हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।